मित्रों, सनातन धर्म में मरने के बाद क्या होगा, इस बात को लेकर कई शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। पुराणों के अनुसार जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद फल और दंड मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पूर्व जन्म की किन गलतियों के कारण मनुष्यों को कष्ट भोगना पड़ता है? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। यह बात तो सभी को ज्ञात है कि मृत्यु के बाद भले ही मनुष्य अपना शरीर इस पृथ्वी पर छोड़कर चला जाता है, किंतु उसे एक सूक्ष्म शरीर मिल जाता है जो दिखने में उसी तरह का होता है जैसा मनुष्य अपने जीवित अवस्था के समय होता है। यही सूक्ष्म शरीर मनुष्यों के कर्मों के अनुसार फल भोगता है। कर्म फल भोगने के लिए आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जहाँ कई सुख साधनों से, तो वहीं नर्क कष्टों और यातनाओं से भरा है। मित्रों, बता दें कि गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, कठोपनिषद के साथ साथ नारद पुराण में भी बताया गया है कि नर्क 36 प्रकार के हैं, जिनमें पाप कर्मों के अनुसार आत्माओं को भेजा जाता है। किंतु ऐसा कई बार होता है जब पूर्व जन्म में मनुष्य कई गलतियां कर बैठता है जिसके कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। अब आपको बताते हैं वो गलतियां। पुराणों में बताया गया है कि पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसे ईश्वर के द्वारा दिए गए पूरे जीवन काल को सुख और दुख भोगते हुए जीना चाहिए। जो लोग जिंदगी से हार कर आत्महत्या कर लेते हैं उनका कष्ट मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। ऐसे मनुष्य कई नर्क में जाकर कष्ट झेलते हैं और दूसरा जन्म मिलने के बाद फिर से उन्हें अपने पूर्व जन्म के कर्मों का बचा फल भोगना पड़ता है। इसलिए आत्महत्या को पाप कहा गया है जो मनुष्य को सीधा नर्क की तरफ ले जाता है। और तो और, जिनका अपनी जिह्वा पर संयम नहीं रहता और जीवन साथी, बच्चों, मेहमान तथा भूखे मनुष्य को खिलाए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं, ऐसे लोभी, लालची व स्वार्थी मनुष्यों को भी नर्क में जाकर कष्ट सहना पड़ता है। इसके अलावा अदालत में लालच एवं द्वेष के चलते झूठी गवाही देने वाले मनुष्यों के लिए भी यमराज ने नर्क भेजने की व्यवस्था की है। इन्हें मृत्यु के देवता यमराज की अदालत में बहुत ही कठोर दंड दिया जाता है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे जाने कि पिछले जन्म में आप क्या थे। बता देते हैं कि आप कुंडली, हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या जानकर अपने पूर्व जन्म की जानकारी ले सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब भी कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो वह अपनी भुक्त और भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेकर आता है। ऐसा कोई भी नवजात बच्चा नहीं होता जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। ज्योतिष धारणा के अनुसार व्यक्ति के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा सरलता से चल रहा है उसे उसके पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जाता है। पूर्व जन्म के अच्छे कार्य इस जन्म में सुखते रहे हैं या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उजागर हो रहे हैं, यह खुद की जिंदगी देखकर समझा जा सकता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इस जन्म में हम जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हैं उसका परिणाम या फल अगले जन्म में भोगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म अगले जन्म तक हमारा पीछा करें। बता दें कि ज्योतिष के अनुसार नवजात शिशु के लग्न में उच्च या स्वराशि का बुध या चंद्र स्थिति हो जिसके कारण उसके पूर्व जन्म में सद्गुणी व्यापारी होने का सूचक है। यदि लग्नस्थ बुध है तो वाणिक पुत्र होकर विविध क्लेशों से ग्रस्त रहता है। वहीं अगर किसी शिशु की कुंडली में लग्न स्थान में मंगल उच्च राशि या स्वराशि में स्थित होता है जिसका मतलब यह है कि वह पूर्व जन्म में योद्धा था। यदि मंगल षष्ठ, सप्तम या दशम भाव में है तो ऐसा माना जाता है कि जातक पिछले जन्म में बहुत क्रोधी व गुस्से वाला स्वभाव का था। इतना ही नहीं, यदि शिशु की कुंडली में चार या इससे अधिक ग्रह उच्च राशि के अथवा स्वराशि के हों तो ऐसा कहा जाता है कि नवजात ने उत्तम योनि या जीवन भोग कर जन्म लिया है। लेकिन यदि जातक की कुंडली में चार या इससे ज्यादा ग्रह नीच राशि के हों तो ऐसा माना जाता है कि नवजात ने पिछले जन्म में तय है कि आत्महत्या ही की होगी। इसके अलावा शिशु की कुंडली में लग्नस्थ गुरु है तो कहा जाता है कि जन्म लेने वाला जातक अधिक धार्मिक स्वभाव का था। यदि उसकी कुंडली में कहीं भी उच्च का गुरु होकर लग्न को देख रहा हो तो माना जाता है कि जातक पूर्व जन्म में धर्मात्मा, सद्गुणी एवं विवेकशील साधु, तपस्वी अथवा वैरागी था। गुरु शुभ ग्रहों से षष्ठ, पंचम या नवम भाव में हो तो भी उसे सन्यासी माना जाता है। वहीं कुंडली में सूर्य छठे, आठवें या बारहवें भाव में हो या तुला राशि का हो तो माना जाता है कि जातक पिछले जन्म में भ्रष्ट जीवन यापन करके जन्मा है। और अगर बच्चे की कुंडली में लग्न या सप्तम भाव में शुक्र ग्रह हो तो माना जाता है कि शिशु पूर्व जन्म में जीवन के सभी आनंद को उठाने वाला राजा या सेठ था। लेकिन उसकी कुंडली में लग्न एकादश, सप्तम या चौथे भाव में शनि हो तो यह माना जाता है कि बच्चा पूर्व जन्म में पापपूर्ण कर्मों में डूबा था।
इसके साथ ही यदि बच्चे की कुंडली में लग्न या सप्तम भाव में राहु हो तो माना जाता है कि शिशु की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई होगी। और तो और, जातक की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य, 5वें में गुरु और 12वें में शुक्र है तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा पिछले जन्म में धर्मात्मा प्रवृत्ति या लोगों की सहायता मदद करने वाला था। तो मित्रों, आपने जाना कि पूर्व जन्म में गलतियों के कारण मनुष्यों को भोगना पड़ता है कष्ट, और कैसे जाने कि पिछले जन्म में आप क्या थे। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।